वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनेमाज कलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे द केरला स्टोरी के बारे में। जी हाँ गाइस, जैसे कि आपको बताइए कि द केरला स्टोरी है वो 5 मई को यानी कि कल जो है सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। तो आज हम जानेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो जैसे कि आपको बताइए द केरला स्टोरी मूवी का जो बजट है वो है 30 करोड़। जी हाँ गाइस, इस मूवी का जो बजट है वो 30 करोड़, और इस मूवी को यानी कि जो हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है। और बात करिए स्क्रीन काउंट की, तो इस मूवी को जो स्क्रीन काउंट मिले हैं वो 1300 मिले हैं। जी हाँ गाइस, टोटल इंडिया में जो स्क्रीन काउंट मिले हैं इसको वो है लगभग 1300 स्क्रीन काउंट। अगर बात करी जाए यानी कि इसके कास्ट की, स्टार कास्ट की, तो इस मूवी को जो लीड में जो अहम किरदार में दिखाई देंगी वो है अदा शर्मा। जी हाँ गाइस, जिन्होंने की कमांडो जैसी बेहतरीन मूवी में काम किया है। तो अब हम बात करते हैं यानी कि फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो यानी कि फर्स्ट डे का था वो था 6 करोड़। जी हाँ गाइस, 6 करोड़। और क्योंकि ये मूवी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और मतलब हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड यानी कि मूवी है, तो ये मूवी जो है ना यानी कि जैसे कि द कश्मीर फाइल आई सी आई थी लगभग उसी के जैसी मूवी है। और आपको ये मूवी देखनी हो तो आप देख सकते हैं, वैसे काफ़ी अच्छी मूवी है। और इस मूवी में जो है कि काफ़ी सारे मतलब फैक्ट्स रखे गए हैं, बट मैं ये मतलब अभी तक मतलब कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि भाई मेरे को इस चीज़ का कोई अधिकार नहीं है। तो मतलब ये नहीं बोल सकता कि मूवी प्रूव करती है कि ये सारी चीज़ें सही हैं या गलत है, वो आपको मूवी देख देख कर ही पता चलेगा, वो मैं सब कुछ बता नहीं सकता। तो ये मूवी में जो है ना कि काफ़ी सारे निगेटिव रिव्यू भी आए हैं और काफ़ी सारे पॉजिटिव रिव्यू भी आए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मूवी जो है ना यानी कि पॉलिटिक्स की वजह से रिलीज़ करी गई है, क्योंकि अभी आने वाले इलेक्शंस की वजह से, यानी ताकि लोगों को जागरूकता मिले और जो है कि हिंदू वोट मिले या जो भी है, मतलब पता नहीं भाई क्या क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, तो वो उनका एक नज़रिया है। बट अगर आप एक मूवी लवर हैं तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए। और बात करते हैं यानी कि सेकंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो यानी कि आज है सैटरडे, तो आज ये मूवी लगभग कमा रही है 8 करोड़। जी हाँ गाइस, इंडिया नेट से ये मूवी लगभग 8 करोड़ कमा रही है, जिससे कि इसका टोटल यानी कि 2 दिनों का जो इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है वो हो जाता है 14 करोड़। जी हाँ गाइस, 14 करोड़ इन 2 डेज़ इस मूवी का जो 2 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है वो है 14 करोड़। बात करिए बड़े बड़े बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो वो हो जाता है 17 करोड़। जी हाँ गाइस, 17 करोड़ 2 दिनों का। और क्योंकि मूवी का बजट है 30 करोड़, तो ये मूवी अपने 4 से 5 दिन में जो है बजट रिकवर कर लेगी और अगले वीक तक ये एक हिट मूवी बन जाएगी। आपको क्या लगता है कि मूवी अपने लाइफ टाइम में होगी हिट, सुपर हिट, या होगी ब्लॉकबस्टर, या होगी फ्लॉप? आपको क्या लगता है अपने कमेंट में दीजिएगा। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर देखने जाइएगा। थैंक यू गाइस सो मच।